छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। हाँ नीलोफर, अच्छा कब आ रही हैं? आज? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या शादी के लिए आ रही हैं? वेरी गुड, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं सब देख लूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मामा? वो मेरी दोस्त है ना कनाडा वाली, उसकी दोनों बेटियां आ रही हैं शादी करने के लिए यहाँ पर। अरे वाह मामा, वैसे भी मुझे ना ऐसे काम करने में बहुत मजा आता है। है ना? लाजमी सी बात है, मर्दों की जिंदगियां तबाह करने में सभी औरतों को मजा आता है, है ना? लड्डू लड्डू, क्या कहा तुमने? यही के उनके आने की खुशी में हमें जमजम की सफाई करनी पड़ेगी। हाँ ये हुई ना बात। गुलाम जी 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 जी, कभी आप भी लड्डू की तरह सोच लिया करें, चले उठे लग जाए काम पे। जी जी जी, वो असल में खाना पकाने का प्रोग्राम जो आ रहा है ना, उसका इख्तिताम चल रहा है, बस देख के चल रहे। क्या चाह रहे हैं? अबे यार डांट खानी है। गुलाम चले उठे, चले लग जाए काम पर, उठे रखे इसको, रखे फौरन रखे। चल चल भाई चल, इस कदर काम चोर है, तौबा तौबा। और टीवी भी बंद करके रिमोट दो मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कहाँ से लाएं ये एडवेंचरर लड़के। अबे और दूसरी की तो ये फरमाइश है कि उस लड़के ने ऐसा काम किया हो जो दूसरे लड़के ने ना किया हो। ससुर जी मेरे पास एक तरकीब है। क्या? आए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। आए आजे आजे, अरे आए तो सही, आए। जरा सोचिए ससुर जी, 25 करोड़ आपके, 25 करोड़ मेरे। डॉलर भी तो बोल यार। हाँ डॉलर। लेकिन बात सुन, हमारे कैसे यार, हम तो शादी शुदा हैं। अबे वो लड्डू, कहीं तू मेरी बेटी को छोड़ने का तो नहीं सोच रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं ससुर जी, जब घर बैठे पैसे मिल रहे हो तो मेहनत करके अपनी जान और वक्त कौन हलकान करे। मतलब ये कि हम अपनी तरफ से इनको लड़के दिखा देंगे। और अगर कोई लड़का पसंद आ गया ना, तो उससे पहले से मुआयदा कर लेंगे कि मिलने वाले 50 करोड़ में से आधे 25 करोड़ हमारे। डॉलर भी तो बोल यार। डॉलर डॉलर डॉलर, देखे ससुर जी डॉलर बरस रहे हैं, बरस रहे डॉलर। ससुर जी डॉलर की आवाज तो हमें। मेरे पकड़ ले, पकड़ पकड़ मेरे लिए पकड़ ले यार। यार ऐसा क्या काम बताऊं मैं? यार बस तू कह दे ना, तू मरीक पे जमीन की खरीदो फरोख्त है। हाँ है? अगर मैं पकड़ा गया तो? अबे तो मरीक पे जाके तस्दीक कौन करेगा बता। हाँ ये भी सही है यार। हाँ भाई लड्डू तूने बुलाया था? अरे तुम तो शादी की तैयारियां करो। तू दूसरी शादी कर रहे? बकवास बंद करो, खबरदार मैं यहीं खड़ा हूँ। हाँ आप यहीं खड़े रह जाएंगे। अब ओ बावले, हाँ देखो बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो कान खोल के। लेकिन मैं बताऊंगा क्या, मैं करता क्या हूँ? लो हाँ। तू कह देना मैं गुलेल से उड़ते हुए जहाज को नीचे गिरा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो इस शकल पर 25 करोड़ डॉलर भी नहीं मिल सकते। अच्छा मैं तैयार हूँ। चलो चलो ओ सुनो 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 सुनो, मम्मी जी मम्मी जी, ये है घंटू। अबे मम्मी जी को क्यों दिखा रहा है, पिंकी को दिखा ना, पिंकी को। पिंकी जी ये है घंटू, आप लोग को जो भी बातें करनी ना, मिल बैठ कर आप लोग बातें कर ले और शादी की तारीख फौरन डिसाइड कर ले। क्या करते हैं? मैं मिरिख पर जमीनें बेचता हूँ। मिरिख जी? मार्स, इसका मतलब मार्स। अरे आप मेरा यकीन करें, मेरे पास ऐसे क्लास के प्लाट है वहाँ पर। बाजी बाजी बाजी, अबे इसने अपना घर बसने से पहले ही उजाड़ लिया। अरे भाई एक अबे बस ना, कहना चाह रहा था आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अगर आपको घंटू पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे पास उससे भी बेहतरीन है पिंटू। बाय फेस तो आप काफी मैच्योर लग जाए, अब आप भी बता दें कि आप क्या करते हैं। मैं ना
बुलेल से जहाज गिरा देता हूँ। बुलेल? अब इसका तो मुझे नहीं पता। हाँ मगर इतना पता कि बोट टाइप की कुछ होती है, उसमें ना ये पत्थर फंसा के और ऐसे करते हैं और ऐसे जाके लगता है और लग जाता है। अरे मैं बताता हूँ, ऐसे गुलेल लेकर इसमें पत्थर फंसा कर ऐसे खींच कर यूं। अब ओ भाई ओ सारे जहाज तू यहीं गिराएगा, वैसे ही थोड़े से जहाज रह गए हमारे पास। अरे बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये कैसी बात हुई, इस तरह के कामों के लिए तो मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। वैसे मैं गुलेल से चिड़िया भी मार लेता हूँ, इसमें तो मिसाइल इस्तेमाल नहीं होते ना। वाह वाह वाह, क्या खूब बात कही। वाह 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 वाह, इस तरह के कामों के लिए एयर गन्स यूज होती है। लड्डू ले जाओ इसे यहाँ से, मुझे इससे शादी नहीं करनी। बेटा पिंकी एक बार और सोच लो, अगर बारिश हो गई तो फिर ये भी नहीं मिलेंगे। गुलाम जैसा कहा जा रहा है ना बस वैसा करें। चलिए अरे पिंकी जी ये बताओ कि तुम्हारे साथ तो डॉली भी आने वाली थी ना, तुम्हारी बहन, वो क्यों नहीं आई? एक्चुअली उसे ना सोने की बीमारी है, उसने इसी वजह से अपनी फ्लाइट मिस कर दी, अगली फ्लाइट से आ रही है। देखिए आप लोग ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप लोग को आपका मनचाहा साथी जरूर मिलेगा। क्यों मामा? हाँ लेकिन पता नहीं कब। अरे भाई मैं तो कहती हूँ ऐसा करते हैं कि अखबार में इश्तहार दे देते हैं, है ना? इससे बेहतर आइडिया ये है कि हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। ये ठीक है। अरे ये क्या है? अरे लग रहे हैं क्या मतलब, ये जंगली है। ओह माय गॉड, आई लव जंगली। होशियार सरदार उसका बेटा हाजिर हो। यार बुक आए में चले हो, ऊपर चले, ऊपर चले, ऊपर चले, उधर 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 उधर। हम जंगलियों के सरदार हैं, ये हमारा बेटा जंगलू है। एक पागल शिकारी हमारे शिकार करने के पीछे तुला हुआ है, हम उससे छुप कर यहाँ शहर भाग के आ गए और यहाँ के छुप गए। अरे तो सरदार भाई आपको क्या हमारा ही घर मिला था आने के लिए? देखिए आप लोग सपना हमारे घर से चले जाएं, वरना मैं ना पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस? पुलिस? ये कौन सी मखलूक है? है पुलिस नहीं जानते क्या तुम? अरे ये वो चीज है जो अच्छे अच्छे जानवरों को ना सीधा कर देती है। नहीं नहीं प्लीज पुलिस को मत बुलाना। मगर वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो कहा कि मुझे जंगली पसंद है। अबे कौन है कौन है? अरे अरे रुके रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं, निकाले इनको घर से बाहर। अरे मम्मी जी पड़ोसी की बिल्ली तड़ी घुस गई है, इस चीज का रुका निकल जाएगी। अरे जंगली है जंगली, वो भी असली वाले। डरो नहीं, मैं जंगलियों का सरदार हूँ, ये मेरा बेटा जंगलू है। हम एक शिकारी से बचकर यहाँ पे भागे और यहाँ के छुप गए। अबे ये तो उर्दू बोल रहा है बिल्कुल हमारी तरह। हाँ तो मैं उर्दू साइंस कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। अरे ससुर जी ध्यान से, कहीं देख मैं खुद मुर्गी बन के ना गिर जाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉली है। आपको कैसे लोग पसंद है? मुझे बिल्कुल आप जैसे जंगली लोग पसंद है। बेटा बेटा एक मिनट एक मिनट, भाई सरदार ये देखें, ये आपका बेटा जो है ना ये हमारी बच्चियों के साथ झाड़ेबाजी कर रहा है। अरे ससुर जी झाड़ेबाजी नहीं होता, आप गलत कह रहे हैं। हाँ अरे यार इनके ये झाड़ लगे हुए ना झाड़। हाँ। इसलिए झाड़ेबाजी कह रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा डैडी, मुझे मुझे ना मुझे इस लड़की से प्यार हो गया। क्या प्यारी हो गया डैडी? अबे और कितने सदमे दोगे हमें? आप लोग ज्यादा सवाल जवाब ना करें और जाके हमारे खाने का बंदोबस्त करें। हाँ क्या खाएंगे आप लोग? मेरे लिए
चीते का पुलाव बना लाओ। जे, 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 जे। और मैं हाथी के पाए खाऊंगा और हमारे दूसरे जंगली साथी भी बाहर मौजूद हैं। वो क्या खाएंगे भाई? वो खाएंगे नहीं, वो पिएंगे इंसानी खून। वाह, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जंगलियों से ही शादी करूंगी। बेगम, ये ड्रैगुला जैसे आपके रिश्तेदार हैं? अरे भाई, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ गया, बस इतना ही काफी है, आप मेरे और जंगली की शादी की तैयारी करें। कहाँ है जंगली? बाहर निकालो सबको। डैडी, ये हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, अब क्या करें? अरे देख कर रहा है, जल्दी हमें जल्दी से छुपाओ। आप फिक्र ना करें, मेरे साथ चलें, मैं जल्दी से आपको छुपा देती हूँ। अबे देखो, शिकारी चला गया। मुझे नहीं लगता। मैं हूँ ना, डरो मत। अबे हाँ हाँ, जब ये है तो हमें किस बात का डर है? हम सरदार हैं जंगलियों के। सरदार शोर मत करो, वो लोग आ जाएंगे। रुको, मैं देख के आती हूँ। मैं कहता हूँ निकालो बाहर जंगलियों को, आज सारे जंगली मार देने हैं मैंने। शिकारी भाई, आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ कोई जंगली नहीं रहता। देखें, ये लड्डू और गुलाम ना जंगलियों जैसी हरकतें जरूर करते हैं, मगर जंगली नहीं है। खानदानी शिकारी हूँ मैं, मेरे अब्बा भी शिकारी थे, मेरे मामू भी शिकारी थे, मेरे चचा भी शिकारी थे, मेरे दादा भी शिकारी थे, मेरे परदादा भी शिकारी थे। मैं अपना शिकार सूंघ कर पहचान लेता हूँ। तो आपकी वालदा शिकार नहीं थी? ओए, हमारे घर की लेडीज बंदूक नहीं उठाती? तो वो भी ना हमारे घर की औरतों की तरह मुंह के पाए मारती होंगी। लड्डू, मैं ना आपके लिए एक कप गरम गरम चाय बना के लेकर आता हूँ। मेरे लिए भी। सुने शिकारी भाई, आपकी वाइफ नहीं है? मैं कवा रहा हूँ। क्या आपकी शादी नहीं हुई है अब तक? नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसा मत करना पिंकी बेटा, ऐसा नहीं नहीं नहीं। पिंकी उठो, चलो मेरे साथ अंदर उठो। मुझे अंदर नहीं जाना, मैं तो कब से किसी ऐसे एडवेंचरस शख्स की तलाश में थी। आप मुझे अपने शिकार का कोई किस्सा सुनाए ना। अरे एक किस्सा, बहुत किस्से हैं, इतने शिकार किए हैं कि सारी जिंदगी शिकार ही करता रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या शिकार किया आपने? मैं मुर्गाबियां शिकार करता हूँ, मेरी एक फायर के साथ सैकड़ों मुर्गाबियां गिर जाती हैं। एक फायर से? हाँ, मैं तो सैंपल के तौर पर मुर्गाबी का गोश्त भी लेके आया हूँ, और वो भी ताजा। अरे किन फजूल बातों में लगा दिए तुम लोगों ने मुझे, मुझे जंगली चाहिए। अच्छा आप ये सब छोड़े ना, आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुस्तम है। मैं पिंकी। किस बात पर पिंकी है? पिंकी नहीं, पिंकी कहा है मैंने। आप मुझसे शादी करेंगे? जब तक मैं उन जंगलियों को ना पकड़ लूं, मैं शादी नहीं करूंगा। लो गई भैंस पानी में। भैंस? कहाँ है भैंस? जंगली भैंस है क्या? भाई इससे तो ऊपर करे। देखो डॉली, इतने सालों बाद तो मुझे कोई लड़का पसंद आया है, क्या तुम मेरी खातिर ये कुर्बानी नहीं दे सकती? कुर्बानी देनी होती तो दे देती, लेकिन अपना जंगलू उस शिकारी को नहीं दे सकती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम क्यों नहीं छोड़ देती अपने उस रुस्तम शिकारी को? तुम समझ क्यों नहीं रही हो, उस जैसा लड़का मुझे नहीं मिल सकता अब दोबारा। देखे भाई, आपको शिकारी चाहिए ना, आप जरा घर से बाहर निकले, आपको कदम कदम पे हर मोड़ पे ऐसा ऐसा शिकारी मिलेगा कि आपकी सोच होगी। और आपको चाहिए जंगली, हैं? घर से बाहर निकले, हर बंदा जंगली बना हुआ घूम रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आइडिया, क्यों ना हम दोनों अपनी मोहब्बत से उन दोनों की दोस्ती करवा दें? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलो चलो चलो।
जल्दी आओ जल्दी। अबे ये लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं भैया। ओ हो 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 जंगलू, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो रुस्तम शिकारी भाई से अभी की अभी दोस्ती करो। देखिए ना, आप मान जाएं और जंगलू और उसके डैडी को माफ कर दें। अब हाँ ना, और अब ये भी तो सोचें, अगर जंगलू की और शिकारी की दोनों के आपस में दोस्ती हो गई तो दोनों मिलके ना जंगल में राज करेंगे राज। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचिए ना। अब सोच लो ना, सोचने में अगर टाइम लगा होगा लो सोच लो। सोच लिया सोच लिया सोच लिया। क्या सोचा? तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की। अरे भाई, आप लोग शादी की तैयारी करेंगे? तानिया आंटी, आप मॉम को जल्दी से फोन करके ना शादी के लिए बुला लें। ओहो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम सब ने मिलकर मेरे घर को जंगलिस्तान बना दिया। क्या मामा, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी तानी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। ये बात तो है। चलो तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कनाडा फोन करके नीलोफर को पाकिस्तान बुलाती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। ओ भाई हो, भाई हो, तुम कौन से सर्कस से आ रहे हो भाई? अरे भाई, मेरी मुर्गियों के पैसे निकालो और मेरी सब्जियों के भी। क्या क्या क्या, कौन सी मुर्गी कौन सी सब्जी? ये मुर्गी, ये जो जाली शिकारी के सामने रखी हुई है। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या क्या, क्या मतलब? अरे भाई, उर्दू में बोल रहा हूँ, मतलब की बात क्या आ गई? ये वो बंदा है। अरे भाई, कौन बंदा, ये तो लड्डू है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझसे ढेर सारी मुर्गियां उधार ले गया कि डॉलर आएंगे तो पैसे दे दूंगा, और मुझसे ढेर सारी सब्जियों के पत्ते भी। लड्डू, क्यों किया तुमने ऐसा? पूरा राशन तो घर में मौजूद है। अबे लड्डू, क्या तूने कैटरिंग का काम शुरू कर दिया है? हैं? मैं बताता हूँ, ये जाली शिकारी के सामने कोई मुर्गा भी नहीं, मेरी मुर्गियों का गोश्त है। ये जाली जंगलियों के पास जंगल के पत्ते नहीं, ये मेरी सब्जियों के पत्ते हैं। क्या, ये लोग धोखेबाज हैं। गुलाम, पुलिस को बुलाएं, फोन करें। रुकिए आंटी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। ये सब कुछ हमने लड्डू के कहने पे किया था, और इसने हमें कहा था कि ये हमें डॉलर भी देगा। लड्डू, गुलाम, आप बुलाएं बेग साहब को, पुलिस को बुलाएं। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, आज तो एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। तुम सबसे पहले तालीम का आगाज ना मेरे घर से कर दो। हम आपके लिए तालीम फराहम करेंगे। हमसे तो कहा गया था कि खूबसूरत उस्तानी पढ़ाएंगी। अगर मेरी जहानत और हुसन की ताब ना लाते हुए उसने अपनी नसें काट ली तो? आप उसको देख लेंगे तो आप अपनी नसें काट बैठेंगे। आप नहीं बैठेंगे? मैं तो पहले से ही डबल मास्टर हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है सोना। आजकल मार्केट में सोना क्या रेट चल रहा? क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? पहला वर्ल्ड कप स्टेडियम में हुआ था। यू आर लेट। नो मिस, आई एम सिटिंग, नो लेट। एक दो के बाद तीन कहाँ गया? आज मैंने थपड़ों में सुना था, खड़त हाथे में तीन हालात। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां, घर का मां, घर का मां।